हेलो क्लास 8। मैं आज आपको अमृतांश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ। संस्कृत की पुस्तक में से पहले ये सविता मैम ने आपको हिंदी अनुवाद एक्सप्लेन कर दिया था, परंतु अब 8th क्लास में संस्कृत मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं एक बार आपको शॉर्ट में जितना आपको लिखना है उतना हिंदी अनुवाद फिर से बता देती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में लिख लें। और सविता मैम का जो वीडियो है उसको भी ध्यान से देख लें, क्योंकि उन्होंने पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद आपको एक्सप्लेन किया है। हाँ तो बच्चों, ये है विवेकानंद चैप्टर का विवेकानंदा प्रथमा पाठा हिंदी में अनुवाद। तो आप ये देख लीजिए कि आपको शुरू से पैराग्राफ में युग पुरुष से लेकर के और प्रचारम अकरोत तक आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। देख लीजिए, ये मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। बचपन से ही वे होशियार थे। विवेकानंद एक तेजस्वी बालक थे। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता थे। सेकंड पैराग्राफ है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने भारत देश में सर्वत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। ये इतना ही आपको लिखना है, बाकी पूरा आप वीडियो देख लें।